ये जेरोक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले यहाँ से चालू कर देना होगा पावर प्लग, और ये जो है यहाँ पर ऑन ऑफ का लिखा हुआ है, इस पर ऑन कर दें। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखकर डिस्प्ले में आएगा, तो डिस्प्ले में आ रहा है प्लीज़ वेट, और यहाँ से हम प्लस करके उसके नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा सकते हैं। अगर कोई प्रिंट आ रही है या फिर जेरोक्स हमने ज़्यादा दे दिए है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन ऑप्शन से उसको स्कैन भी हो जाएंगी कॉपी, और ये कॉपी के ऑप्शन है अगर हमें क्वालिटी चेंज करना है तो कम ज़्यादा। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है वन कॉपीज वन, और ऑटो है ये, ऑटो मतलब जो भी उसकी सेटिंग होंगी ऑटो निकलेंगे। अब ये पेज को जो है तो हम ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर ये सेक्शन से रखना है उधर साइड से, तो ये ग्लास के सरफेस पे हमें क्या करना होगा, ये ऐसे हम रखेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ तक A4 आ रहा है, A4 यहाँ तक और ये A4 यहाँ तक। अब इसमें प्रिंट ज़्यादातर प्रिंट जैसे निकलेंगे यहाँ पर जैसे डॉटेड वगैरह आते हैं जेरोक्स में, तो ये डॉट थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि इस पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम ऐसे पेज रखेंगे और इसको बंद कर देंगे, ये ग्लास का सरफेस हो गया बंद। अब जब हमें एक कॉपी देना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी से अगर हमें बढ़ाना है 10 तो यहाँ से प्लस से हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आएगा 7-10। अभी से हम कम करेंगे और हमें चाहिए दो कॉपीज, सपोज टू कॉपीज चाहिए, या फिर थ्री कर देंगे, थ्री कॉपीज करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर कॉपिंग लिख कर आएंगे, कॉपिंग। अब कॉपिंग के बाद कितने पेजेस निकलेंगे और कैसे प्रोसेस होगा ये हम अब देखेंगे। अभी ऑटोमेटिकली पेजेस लेगा, ये वन कॉपी निकली है, टू कॉपी, थ्री कॉपी। इसमें कैसे है कि बार बार आपको प्रिंट या फिर जरूरत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मल्टी फंक्शन टाइप में इसका आ जाता है। तो इस तरह से कॉपी निकली है, उसकी ओरिजिनल देखेंगे हम, ओरिजिनल पे कुछ डॉट्स थे ये साइड में जो कि इसकी जेरोक्स थी, और इस पर थोड़े से डॉट्स आ गए हैं, बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं ड्रम वगैरह के रोल में। तो इस तरह से ये ओरिजिनल है और ये उसकी जेरोक्स इस तरह से निकल गई है, साफ जेरोक्स। ब्लैक भी हमें इसे ज़्यादा करना है तो डार्क कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन इसे ऑटो रहने देने में ज़्यादा भलाई है, इसको कभी भी करना है सेटिंग अगर गलत हो गई तो ऑटो कर देना। कॉपी ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पर क्वालिटी है, क्वालिटी पे ओके करेंगे तो ये ऑटो है, और बैक लेने के लिए क्लियर में आना है। उसी तरह से स्टैक रिपोर्ट है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं हम कॉपी की, उसे सबको ऑटो जैसे है बाय डिफॉल्ट रखना है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सारा। तो इस तरह से हम जेरोक्स निकाल सकते हैं।